Hi guys, welcome back. This is 10th lecture of SCMPE. This is super quick revision that we all are doing. Aapke sare concepts of costing revised in as fast time as possible. To start karenge, aaj shayad 9 lectures ke baad, ye shayad sabse bada lecture bhi ho sakta hai. It covers up one of the most important topics, that is internal pricing. Hum log usko transfer pricing bhi kehte hain. So let's start away with this. Ensure that every question of this chapter is done properly. Agar thoda sa time kam hai, pehle 10 questions skip karoge of your book to chalega. Uske baad wale sare ke sare questions please deke jana. First 13 to be very specific. Okay. So ensure that from 14th question till end, you all are doing each and every question please. Okay. To start kar lete hain, suni. Sabse pehle meaning of transfer price. कोई एक कंपनी है उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं एक डिपार्टमेंट ए है एक डिपार्टमेंट बी है डिपार्टमेंट ए मेक्स पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसफर्स इट टू बी एट व्हाट प्राइस टू ट्रांसफर दैट प्राइस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को वो सीए बनने के बाद भी तो वो समझ भी नहीं आता बॉस दिस चैप्टर इज नॉट अकाउंट सब्जेक्ट ओके दिस इज नॉट अकाउंटेंसी चैप्टर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स नहीं बात कर रहे हम लोग ब्रांच अकाउंट्स नहीं बात कर रहे ओके हम लोगों को ट्रांसफर प्राइस क्यों चाहिए ताकि आई कैन मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिवीजन सेपरेटली मेरे को फर्स्ट डिवीजन पता लगाने का है कि कैसा परफॉर्म करता है कैसा परफॉर्म करता है तो दो मेथड होते हैं या आप उसको कॉस्ट सेंटर मानो कॉस्ट सेंटर मतलब उसके कॉस्ट का हिसाब कर लो एंड देन ट्राई टू सी ये एक्चुअल कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए था अगर सेविंग किया मतलब ही हैज डन गुड जितना सेविंग किया उसका एक परसेंटेज कुड बी बोनस अगर ज़्यादा खर्चा किया देन यू कैन हैव सम पेनल्टीज दिस इज डिपार्टमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज वॉट कॉस्ट सेंटर्स दिस इज हाउ वी हैव टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं अगर कॉस्ट सेंटर बनाओगे ना डिपार्टमेंट्स को हर डिपार्टमेंट का एम होगा कॉस्ट कम करो लेकिन वो चीज करना माइट बी बैड फॉर द कंपनी क्योंकि फिर कंपनी विल कम इनटू अ मोड जहां पे हर एक बंदा बस पैसा बचाने के लिए ही जाएगा उससे कंपनी माइट सफर यू माइट स्टार्ट टू बाय लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप अपना जो केस स्टडीज है वहां पर कितनी सारी केस स्टडीज हैं ऐसी वी आर ट्राइंग टू बाई लोअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ताकि अपना मटीरियल प्राइस वराइंस वो फेवरेबल हो जाए तो इसके लिए वी थॉट नहीं यार ऐसा काम नहीं करना तो फिर लेट्स कन्वर्ट डिपार्टमेंट्स इनटू प्रॉफिट सेंटर्स प्रॉफिट सेंटर मतलब जब एक डिपार्टमेंट गुड्स बनाएगा दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा तो एक हायर प्राइस के ऊपर ट्रांसफर करेगा दैट हायर प्राइस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस आप लोग उसको इंटरनल प्राइस भी बोल सकते हो तो हमारा बात बस इतना ही है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए दैट इज वन थिंग ठीक है सुनो अभी एक दो और चीज़ें जो आपका माइंड जो है थोड़ा सा वो ट्रेन करेंगी कि आजकल ट्रांसफर प्राइस इतना ज़रूरी क्यों है जो इंस्टीट्यूट है वो इतना उसको क्यों पूछता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गई एक कंपनी का बात जहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं अब ज़रा सोचो कोई एक कंपनी है ओके सपोज कोई भी एक हाइपोथेटिकल वो एग्जाम्पल लेता हूँ से इन दिस केस से एप्पल है ओके अभी एप्पल जो है वो आईफोन्स वगैरह तो वो बनाता है अभी सपोज एप्पल जो है जब आईफोन्स बनाता है तो आईफोन्स के अंदर तो प्रोसेसर भी जाता है ऑनेस्टली आज की डेट में तो वो लोग प्रोसेसर्स भी खुद ब खुद ही बनाते हैं उनकी A9 करके चिप्स आती हैं A10 करके चिप्स आती हैं A11 भी आती है अभी तो लेकिन सपोज ऐसा था कि एप्पल प्रोसेसर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता तो वो लोग जो प्रोसेसर है बाकी कंपनी से खरीदता है एग्जांपल एप्पल ने स्टार्ट किया था टू परचेज द प्रोसेसर्स फ्रॉम इंटेल ये तो सच्ची बात है बट देन सम डील ब्रोक ऑफ यू माइट बी रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो तो इन दैट पर्टिकुलर केस ज़रा सोचो कि ना एप्पल अभी बाहर से प्रोसेसर्स खरीदता है बाहर से ठीक है अभी सपोज उसने 2-3 साल तक बाहर से प्रोसेसर्स वो खरीदा सपोज इंटेल से खरीदा ओके लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज हुआ नहीं यार हम लोग ना इंटेल से प्रोसेसर्स नहीं खरीदेंगे अपना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है
तो उन लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल कंपनी थी ओके, जो प्रोसेसर्स बनाती थी, कोई और कंपनी, स्मॉल कंपनी थी, लेकिन एप्पल को लगा इस कंपनी के ना सॉलिड दम है, इनका जो R&D वगैरह है बहुत अच्छा है. तो उन लोगों ने वो कंपनी को एक्वायर कर लिया ओके. तो एक्विजिशन तो हो गया. अब ये वाली जो कंपनी है, दिस इज पार्ट ऑफ एप्पल ग्रुप. अभी जरा सोचो, पहले ये वाली जो कंपनी थी प्रोसेसर्स बनाती थी मेनली एंड यूज्ड टू बी सेलिंग इट आउटसाइड. लेकिन अभी ये वाली कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आप प्रोसेसर्स बनाओगे सिर्फ एप्पल के लिए. ठीक है, अब जरा सोचो ये वाली जो कंपनी है, हाउ इज इट परफॉर्मिंग? आप लोग कैसे पता लगाओगे इज द कंपनी परफॉर्मिंग गुड, इज द कंपनी परफॉर्मिंग बैड? क्योंकि अभी तो इनका रेवेन्यू मॉडल ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ क्या करती है, एप्पल जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसके लिए प्रोसेसर्स बना के उनको ट्रांसफर कर देती है. तो ऐसे केसेस के अंदर आप ऐसी कंपनीज का प्रॉफिट जो है कैसे मेजर करोगे? सपोज इस कंपनी का एक CEO था मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स को तुमको इवैल्यूएट करने का है कि बंदे ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया. कैसे पता लगाओगे? तुम्हारे पास तो प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ये कंपनी आज की डेट में सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करके एप्पल को ट्रांसफर कर देती है. तो फिर हाउ द हेल विल यू गेट प्रॉफिट्स? तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या सोचा, एक हम लोग अज्यूम्ड फिगर कर लेंगे कि जब भी एक प्रोसेसर इस कंपनी से एप्पल को ट्रांसफर होगा, दिस इज द रेवेन्यू दैट विल गेट बुक्ड इन दिस कंपनीज अकाउंट. यार ना, ये सच्ची का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ओके, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हम लोग हमारी रफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिख देंगे ताकि अपने को इस कंपनी का अलग से प्रॉफिट मिल जाए. अगर प्रॉफिट अच्छा है उसका सम पार्ट विल बी गिवन एज बोनस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर. प्लीज, इट इज नॉट अ अकाउंटिंग चैप्टर, इट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर. मेरे को क्या चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमा रहा है. तो न्यूली कंपनी के लिए दिस thing is must. We want to see ability of the managers, how good these guys are. तो उसके लिए profit तो लाना पड़ेगा ना, किधर ना किधर. Okay. So therefore, मेरे को transfer pricing चाहिए. Third, to keep the staff motivated. Obviously, खुद ब खुद जरा सोचो. You have your staff. You have to make them work. How do you make them work? You tell them, no, profit आपका department जितना भी कमाएगा, 10% तुम लोग को bonus देगा. Boss, they will do everything to increase sales, to decrease cost. Automatically, companies will start to do good. And obviously, to give the bonuses. Based upon the profit, some bonuses will be given. So, transfer pricing aaj ki date mein compulsory hai. Har ek badi company, har ek big company, transfer pricing ke norm set karti hai. ट्रांसफर प्राइसिंग का एक टैक्स इंपैक्ट होता है जो सेक्शन 94 के अंदर आता है, विच आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड. लेकिन हमारे पास जो इम्पैक्ट है जो इस चैप्टर के हैं, दैट इज ओनली द इम्पैक्ट वेयर बाय आई वांट टू बी सीइंग हाउ गुड और बैड माय मैनेजर्स अप. इट्स अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर. ठीक है, तो बस एक छोटा सा चीज जरा याद रखना, जब ट्रांजैक्शन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में होगा तो इनकम टैक्स किधर नहीं आएगा. लेकिन अगर ट्रांजैक्शन एक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से एक होल्डिंग कंपनी के अंदर होएगा तो बॉस तभी इनकम टैक्स भी आएगा. इवन ए वन कंपनी विल ट्रांसफर समथिंग, बट दैट इज द टैक्स पार्ट ओके, विच आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, बट इट इज स्टिल देयर ओके. लिसन, अभी इनकम स्टेटमेंट इस चैप्टर के लिए ऐसा बनाते हैं, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट. ट्रांसफरर डिपार्टमेंट मार्केट के अंदर भी गुड्स बेच सकता है और दूसरे डिविजन को भी बेच सकता है. जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है वो तो मार्केट के अंदर ही सेल्स करेगा. तो मार्केट के अंदर एक ये सेल्स हो गया, एक ये सेल्स हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट सेकंड टोटल. फिक्स्ड कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंट का जितना भी है. एंड लास्टली सेल्स फॉर वन गाय बिकम्स कॉस्ट फॉर द अदर. याद रखना ये दोनों चीज़ें कंपनी के लिए सेल्स और कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि दीज आर जस्ट इंटरनल ट्रांसफर्स ओके. दिस विल फेच यू प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. ठीक है, आगे ट्रांसफर प्राइस. इफ द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, देन ट्रांसफर एट टोटल कॉस्ट. मैं तुमको ये वाला चीज वो बोला, सपोज हम लोग फर्स्ट डिविजन को बोलते हैं, भाई तेरे अकाउंट के अंदर कोई रेवेन्यू नहीं बुक होगा, तेरा एक ही काम है गुड्स बना, गुड्स ट्रांसफर कर, बस. अगर ऐसा है तो वी आर ट्राइंग टू से दैट You will be treated as cost center. तो मैं तेरा performance evaluation कैसे करूँगा? Simple है.
तू मेरे को एक्चुअल कॉस्ट देगा, आई विल कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, एग्जैक्टली जैसा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर होता है. तूने वेरिएंस फेवरेबल लाया मींस यू हैव डन गुड जॉब, और अगर तूने एडवर्स लाया मींस यू हैव डन बैड जॉब. इन सच केसेस परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट इज इवैल्यूएटेड बेस्ड अपॉन कॉस्ट सेविंग्स अगेंस्ट द बजट. ठीक है. सेकंड, इफ द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉफिट सेंटर, ओके, then in that particular case transfer act that we are going to be seeing as such. So transfer act yahan pe bahut sare options honge. Theek hai, to suno, in such cases ye line ignore kar dena. In such cases transfer price kya kya ho sakta hai, to sabse pehle transfer at market price. Agar tum logo ko yaad hoga, this is easiest method. फर्स्ट डिपार्टमेंट मार्केट के अंदर गुड्स बेचता है एट सम प्राइस, उसी प्राइस को आप लोग क्या बना देने का बेटा, ट्रांसफर प्राइस. बस अगर ऐसा होगा दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़े कम होंगे. ओके, वो एक चीज याद रखना, झगड़े कम होंगे. और जैसे जैसे मार्केट प्राइस विल गो अप एंड डाउन, वैसे 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 इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा ट्रांसफर प्राइस भी बदलता रहेगा. सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट, यू ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट. नाउ ऑनेस्टली जरा याद रखना, अगर फर्स्ट डिविजन का कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, इट ट्रांसफर समथिंग टू द सेकेंड डिविजन एट वेरिएबल कॉस्ट, नो, तो ऑनेस्टली फर्स्ट डिविजन पागल है, क्योंकि जितना उसका वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही चार्ज कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, मतलब यू गेट जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन. आगे एक अजीब मेथड था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. आईसीए को ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, आल्सो कॉल्ड एज टू पार्ट प्राइसिंग मेथड, जिधर दो पार्ट्स आ जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और प्लस एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आ जाता है परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, तो एग्जांपल फर्स्ट डिविजन दूसरे डिविजन को 8000 यूनिट्स ट्रांसफर करता है, उसका वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए का है. ठीक है, प्लस डिवीजन बी डिवीजन ए को बोलता है तुम्हारा जितना भी फिक्स कॉस्ट होगा ना उसका 40% हम लोग शेयर करेगा. ओके, सपोज फर्स्ट डिवीजन का फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, 40% शेयर करेगा ना, तो आप लोग यहाँ पे 40,000 रुपीज ऐड कर दो. तो याद रखना इस ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर तुम्हारे दो कॉम्पोनेंट्स आ गए. कौन से दो? एक आ गया तुम्हारा वेरिएबल वाला पार्ट और दूसरा आ गया तुम्हारा फिक्स्ड पार्ट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज टू पार्ट प्राइसिंग मेथड. इस मेथड का याद रखना कभी कभी एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है. सपोज 8000 के बदले में कल अगर 20,000 यूनिट ट्रांसफर किए ना, तो याद रखना फिक्स्ड पार्ट जो है उतना ही रहेगा, तो जो ट्रांसफर री डिपार्टमेंट है ना उसका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000 नाउ विल बी शेयर्ड अमंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. लेकिन याद रखना जो फर्स्ट डिवीजन के लिए, सॉरी, जो ट्रांसफर री डिवीजन के लिए अच्छा वो ट्रांसफर रर डिवीजन के लिए बुरा, उतना याद रखना हमेशा. ठीक है, अच्छा इसका वैसा वर्षा इंपैक्ट भी दिखा सकता हूं. सपोज कल को सिर्फ 8000 के बदले में सिर्फ 2000 यूनिट ही ट्रांसफर हुए, तो फिर दूसरे डिवीजन के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट विल ओनली गेट स्प्रेड ओवर 2000 यूनिट्स. तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, दैट डिपेंड्स कि कितना यूनिट्स फ्यूचर के अंदर होगा. ठीक है, उसके बाद ड्यूल प्राइसिंग मेथड. अगर आप लोग को याद होगा, सपोज फर्स्ट डिपार्टमेंट है, सॉलिड सेल्स करता है, मार्केट के अंदर सॉलिड गुड्स बेचता है, दूसरा डिवीजन उसके पास आता है बोलता है तू मार्केट के अंदर मत बेच, तू मेरे को बेच दे, तो पहला वाला डिवीजन हमेशा उसको मार्केट प्राइस ही चार्ज करना चाहेगा. लेकिन जो सेकंड डिवीजन है ना वो नया है. ओके, वो लोग उतना ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकता. वो लोग बोलता है सर उतना ज़्यादा प्राइस देने से अच्छा हम लोग ना डिपार्टमेंट ही नहीं चालू करेगा. तो वो लोग बोलता है सर हम लोग ना बहुत कम प्राइस देगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही देगा. तो ऐसे केसेस के अंदर फॉर सम टाइम कंपनी कैन डिसाइड लेट्स हैव ड्यूअल प्राइसिंग. ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ओनली सेलिंग प्राइस फॉर द ट्रांसफरर डिवीजन, मतलब ट्रांसफर प्राइस फॉर द ट्रांसफरर डिवीजन विल बी टेकन हायर से मार्केट प्राइस, एंड ट्रांसफर प्राइस फॉर द ट्रांसफर री डिवीजन विल बी टेकन लोअर. उसको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वो तो मार्केट के अंदर बेच सकता था, दूसरा वाला डिवीजन ज्यादा बेयर नहीं कर सकता, तो आप टेम्परेरी पीरियड के लिए आप उसको कम कॉस्ट चार्ज करो. तो मतलब ट्रांसफर प्राइस फॉर वन विल नॉट बिकम कॉस्ट फॉर द अदर, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल प्राइसिंग मेथड. हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया हुआ है. या फिर नेक्स्ट मेथड, शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. आप लोग क्या कर सकते हो,
let there be a partnership agreement between transferor department, transferee department. वो लोग बोलते हैं हम लोग goods बना के बेचेगा, जितना भी profit आएगा उसको शेयर आउट कर लेगा. अभी शेयर आउट इन व्हाट रेशो, कई लोग बोलता है एक्चुअल कॉस्ट के ना शेयर करो. उसका एक डिसएडवांटेज क्लास के ना वो बोला था, पीपल वुड लाइक टू इंक्रीज देयर कॉस्ट टू गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो एक नया मेथड मैंने आपको बनाकर वो बोला था, शेयर इट आउट इन द रेशो ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देन एडजस्ट नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट. सो दैट इज मर्जर ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, आगे. If some offer is there but goods have to be transferred to our own department. जरा सोचो, हम लोग transferor division था, अब से क्या करेंगे, transferor division को X बोलता है, transferor division को Y बोलता हूँ till the end of this particular chapter. Okay? तो जो transferor division है ना वो market के ना goods बेच रहा था, solid goods बेच रहा था. Y उसके पास आया, बोलता मेरे को भी बना के देना. एक्स बोलता मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है. वाई बोलता नहीं तेरे को देना पड़ेगा. एंड यूजुअली बाय कंपनीज रूल्स एक्स विल हैव टू ट्रांसफर टू वाई. तो तब एक्स क्या सोचेगा, जब मैं वाई को सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स, एक तो मेरा खर्चा होता है किस चीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट का, शायद कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट भी लग सकता है. तो पहले अपना कॉस्ट जो है लिख लो. प्लस अगर एक्स वाई को सप्लाई नहीं करता, मार्केट के ना सप्लाई करता, वहां से कुछ ना कुछ कमाता, बट दैट अमाउंट विल बी लॉस नाउ. तो दैट विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सो देयरफॉर दिस विल गिव यू द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट डिविजन एक्स वुड लाइक टू चार्ज टू डिविजन वाई. बेटा हर बंदा अपना कॉस्ट तो चार्ज करेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यार ना, अगर एक्स आइडल था और वाई वो आइडलनेस ही यूज कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आइडल नहीं था तो उसको कुछ ना कुछ लूज करना पड़ेगा ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा. आगे फोर्थ, देयर विल बी फाइट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एज हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ वन डिपार्टमेंट विल लीड टू लीस्ट प्रॉफिट ऑफ द अदर. ये इस चैप्टर के अंदर इनबिल्ट चीज है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर. सब लोग को खुश नहीं कर सकते, अगर एक खुश होएगा दूसरा उदास होएगा. ओके, एक बोलेगा आज मैं बहुत खुश, तो दूसरा बंदा वो बोलेगा आज मेरा जिंदगी का सबसे उदास दिन है. सो वॉट एवर यू विल डू, यू कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी. ओके, तो it will happen that one guy will be happy, one guy will be sad. Fifth, if you are asked to quote the transfer price unless profit is given, it means minimum transfer price. ठीक है, अगर आपको सम के अंदर ऐसा बोला कि आप ट्रांसफर प्राइस बताओ, तो याद रखना अगर सम ने प्रॉफिट मार्जिन दिया फिर अलग बात है, वरना ट्रांसफर प्राइस विल ऑलवेज मीन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. विल ऑलवेज मीन विच ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. और मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमेशा हमारा कॉस्ट ही होता है, और मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमेशा ट्रांसफरर डिपार्टमेंट के दिमाग में होता है. और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट मिनिमम कितना चार्ज करेगा, मैंने दो पॉइंट ऊपर भी बोला था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, आगे. If there are three divisions, suppose X है, Y है, Z है, तो X will transfer to Y, Y will transfer to Z. तो बेटा Y के लिए transfer price दो जगह पे आता है, एक बार sales side पे, एक बार cost side पे. The middle division will have transfer price as their cost also and will have transfer price in the revenue also. ठीक है, सुनो एक और चीज. In questions of limiting factor, हम लोगों ने ऐसा एक question किया था, where transferor department has something in short supply, say labor hours. एंड ट्रांसफरर डिपार्टमेंट हैज बीन आस्क्ड टू सप्लाई. सपोज जरा सोचो, एक्स है, वाई है, ठीक है. इन दैट पर्टिकुलर केस एक्स के पास ना ऑलरेडी लेबर आर्स की कमी है, ठीक है, लेबर आर्स की बहुत कमी है. वाई उसके पास आता है, बोलता है मेरे को गुड्स बना के देना प्लीज. ओके, जरा सोचो, एक्स के पास वैसे ही लेबर आर्स की कमी है. चलो एक नंबर लेता हूँ, सपोज एक्स के पास 5000 आरसी थे, ठीक है, और वो तीन प्रोडक्ट्स बनाता था ए बी एंड सी. ठीक है, एक्स के पास 5000 आरस थे, वो तीन प्रोडक्ट्स बनाता था ए बी सी, और ए बी सी के लिए भी 5000 घंटे बहुत कम पड़ता है. तो हम लोग रैंक्स देंगे बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर, और डिसाइड कर लेंगे ए बी सी कितना बन रहा है. ठीक है, तो ये बनता था, आज तक एक्स यही करता था, ए बी सी बना देता था 5000 घंटे के अंदर, रैंक्स के हिसाब से ए बी सी कितना बन जाएगा. एक दिन वाई उसके पास आया और बोलता है मेरे को डी भी बना के देना. डी के लिए पता चला कि ना 1000 घंटे की जरूरत है,
और फिर सामने बोला फाइंड आउट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एट विच एक्स वुड लाइक टू ट्रांसफर वाई प्रोडक्ट डी. ठीक है. अच्छा एक मिनट, तुम्हारे पास कितने आर्स थे? 5000. डी को कितने आर्स चाहिए? 1000. तो आप डी के 1000 आर्स पहले अलग कर दो, क्योंकि डी तो बनाना पड़ेगा बिकॉज वील हैव टू ट्रांसफर टू वाई. तो ए बी सी के लिए कितने आर्स बच गए बेटा? 4000. तो जरा सोचो, पहले तुम्हारे पास 5000 आर्स होते थे, ए बी सी का कुछ ना कुछ बन जाता होगा. अभी तुम्हारे पास ए बी सी के लिए कितने आर्स बच जाएंगे? 4000. तो कम बनेगा, कम बनेगा तो कम बिकेगा, कम बिकेगा तो कम कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा. फाइनली एक बार ये पता चल गया कितना कम कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, नाउ वी विल डू आर लास्ट स्टेप. एक्स हैज टू टेल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरिंग डी नोट प्रोडक्ट डी. तो सबसे पहले जरा सोचो, अगर डी बनाओगे तो खर्चा कितना होगा वो निकाल लेना. अगर कोई स्पेसिफिक कॉस्ट भी डी के लिए लग रहा है वो भी ऐड कर लेना. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजैक्शन की वजह से ए बी सी के अंदर से कोई एक प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इसी ऑफर की वजह से काम हो रहा है ना, वो भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना यार. सो दिस इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. अगर पर यूनिट चाहिए डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स, तो आपको यहाँ पर यूनिट प्राइस मिल जाएगा. मैंने बस वही वाला चीज फ्यू स्टेप्स के अंदर लिखा हुआ है. फाइंड प्रोडक्शन मिक्स बेस्ड ऑन रैंक्स गिवन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर बिफोर द ऑफर केम, मतलब जब तक तुम्हारे पास 5000 आवर्स थे. फाइंड प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड अपॉन रैंक्स गिवन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर आफ्टर द ऑफर केम. एक मिनट, मतलब 5000 आवर्स, यहाँ पे कितना? 4000 आवर्स. डू रिमेंबर टू डिडक्ट द आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑफर. मैंने 1000 आवर्स वही लेस किए ना. Difference between the above two production mix will give you units lost due to offer and also the contribution lost. Exact the same thing. Get the minimum transfer price by adding variable cost plus specific fixed cost plus opportunity cost. Okay? These were four steps in how to be solving the sums on limiting factor. Okay? Chalo, aage. Now these are almost the ending remarks. So no. Many times it will happen that due to departments fighting, company will suffer. But CEO should always try for goal congruence. Goal congruence matlab, departments get good profit, but company earns the highest. Goal congruence matlab, sabka goal ek hi hona chahiye, kya? Company ka benefit karwana. To agar kabhi departments ke beech mein ladai ho raha hai, tum CEO, तुम कंपनी का मालिक है, ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करने का ताकि उनका झगड़ा भी रिजॉल्व हो जाए, उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिले. आई एम नॉट सेइंग बेस्ट प्रॉफिट मिले, क्योंकि अगर एक को बेस्ट मिलेगा दूसरे को वर्स ही मिलेगा, लेकिन उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और कंपनी को हाईएस्ट प्रॉफिट मिले. सेकेंड, डू रिमेंबर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस दैट ट्रांसफर री डिपार्टमेंट विल बी विलिंग टू पे विल बी द नेट प्राइस दैट ही विल हैव टू बी पेइंग इफ परचेज फ्रॉम द मार्केट. तू जरा सोच, एक्स है वाई है, जब भी एक्स और वाई मिलेंगे ना तो दोनों के बीच में एक ट्रांसफर प्राइस एग्री होना चाहिए. गिवन अ चॉइस एक्स वुड लाइक टू चार्ज एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए वो वाला चीज सेल्स है. वाई वुड लाइक टू पे एज लो एज पॉसिबल. लेकिन जरा सोच, एक्स जो है हाईएस्ट चार्ज तो करना चाहेगा, लेकिन किस प्राइस के नीचे वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सर वी विल नॉट एक्सेप्ट बिलो आवर कॉस्ट. एंड कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, इस प्राइस के नीचे एक्स नहीं मानेगा. लेकिन याद रखना, वाई भी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं देगा बेटा, उसके लिए तो वो कॉस्ट है. तो मैक्सिमम प्राइस दैट वाई विल बी एवर रेडी टू पे विल ऑफकोर्स बी द प्राइस एट विच ही कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. अगर वाई मार्केट से 10 रुपए के अंदर खरीद सकता है और अगर डिपार्टमेंट एक्स बोलेगा 11 दे 11 दे, तो वाई कभी खरीदेगा नहीं उससे. ठीक है, इफ देर आर टू कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज विच आर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, सेट द प्राइस सो दैट टैक्सेज आर लीस्ट. जनरेट एंटायर प्रॉफिट वेयर टैक्सेज आर लीस्ट. एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर सपोज 50% इंडिया के अंदर सपोज 30% टैक्स है, सपोज यूएस के अंदर 40% टैक्स है. ठीक है, अगर तुम लोग ट्रांसफर प्राइस सेट कर सकते हो फॉर इनकम टैक्स पर्पस ऑल्सो, यूजुअली वो सेट नहीं कर सकते क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस का फंडा वो आ जाता है सेक्शन 94 के अंदर, तुमको वो पता चलेगा. लेकिन अगर सम बोलता है सेट कर सकते हो फिर कर सकते हो, तो याद रखना सारा का सारा प्रॉफिट उधर लेकर आओ,
जिधर तुम्हारा टैक्सेस कम है तो ऑटोमेटिकली, सपोज इंडिया के ना 30% है, लंडन के ना 40% है, सारा टैक्स इंडिया के अंदर ही पे कर दो, तो लंडन के अंदर टैक्स कितना पे करने का? जीरो. उसके लिए तुमको प्रॉफिट भी कितना दिखाने का? जीरो. और पूरा प्रॉफिट किधर दिखा सकते हो? इंडिया के अंदर. ठीक है, ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर रखा है. ओके, बी केयरफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इट विल बी कमिंग फॉर श्योर. यूज योर ब्रेन्स. इंस्टीट्यूट कैसा भी नया क्वेश्चन लेकर आ सकता है, थिंक फॉर अ वाइल. And most important in such questions, you have to be thinking from whose angle to think. Sometimes you will have to be thinking from transferer department's angle, sometimes transferee department angle. तो बराबर से सोचना किसके angle से तुम लोग question solve कर रहे हो. Okay. Revise all the end वाले questions. Okay. And all the best. Okay. Be well prepared for this chapter. I'll see you all in the next lecture.